आंवला नवमी के अवसर पर विश्व ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने विभिन्न आयोजन कर समाज के हित में कार्य करने की योजना बनाई। आंवला नवमी के अवसर पर दुर्ग की ब्राह्मण समाज की महिलाओं द्वारा दुर्ग के राजेंद्र पार्क में एक दिवसीय आयोजन किया गया। इसमें महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर विश्व ब्राह्मण समाज के बैनर तले विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही घूमर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही समाज को आगे बढ़ाने के उद्देश्य पर जोर दिया। ब्राह्मण महासभा आंवला नवमी के शुभ अवसर पर आज यहाँ पर दीपावली मिलन समारोह भी कर रहे हैं और विश्व ब्राह्मण महासभा जो है प्रदेश में प्रत्येक महिलाओं को जोड़कर ब्राह्मण हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए हम लोग काम करेंगे। हमारी यह संस्था राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। हम लोग राजस्थान में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन करा है। इसके लिए विप्र कल्याण बोर्ड की जो अध्यक्ष है डॉक्टर रीता मिश्रा जी हैं और हम लोग ब्राह्मण हित के लिए अपनी धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम हम लोग करेंगे और सामाजिक विवाह जैसा भी कार्यक्रम बहुत जल्दी हम लोग आयोजित करेंगे। राधे भैया, जय श्री कृष्णा। हम लोग ना आंवला नवमी के उपलक्ष्य में विश्व ब्राह्मण समाज की तरफ से एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे। उसमें महिलाओं ने दीपावली मिलन कर रही है, आंवला की परशुराम भगवान की जय। बाहर से आए लोग हमारे अतिगढ़ आए हैं, रायपुर से, भाटापारा से, त्रिदानेवरा से, राजनांदगांव से, भिलाई से, तो सबका सम्मान भी किया जाएगा यहाँ पर। और महिलाएं हौजी खेलेगी, कुछ उनके गेम भी हैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, तो इसी के साथ हमारा कार्यक्रम सम्पन्न होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।